बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ डॉक्टर फारूक, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। वी आर एंटरिंग इन द वीक नंबर 9 एंड दिस वाज सपोज टू बी द मिड टर्म वीक, बट इट कुडंट हैपन बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ कोविड 19। सॉरी। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें महफूज रहें और अपना पूरा ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे। और डेफिनेटली प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस तरह के हालात में इस जो पेंडेमिक है इसको इजी नहीं लेना चाहिए। और डेफिनेटली इसमें हमारी तरफ से कुछ नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है वो दोबारा से ऐसी आ गई है। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हमने मिड टर्म के बाद जो लाइव सेशंस थे उसको रिज्यूम करना था यूनिवर्सिटी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह हमारे कुछ ना कुछ लाइव सेशंस भी ज़रूर होंगे ऑन कैंपस। तो एनी हाउ अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जब तक कि कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आती इसी तरह से हमने कंटिन्यू करना है। और इंशाल्लाह मिड टर्म जो है वो आपका जब क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसी वीक में आई गेस प्लान्ड है कि मिड टर्म आपका होगा, और उसके बाद जितने भी वीक बचेंगे टीचिंग होगी, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे फाइनल टर्म की तरफ जाएंगे। So far, if you remember, in the previous weeks we have talked about a lot about GIS, and we discussed the basics of GIS, we discussed the applications of GIS, then we talked about the maps, how you can define a map and how you are going to prepare a map, what is the map scale, and then we talked about georeferencing, and then we talked about the vector data processing and analysis techniques, and then we talked about the raster data processing and analysis techniques. So this is how we have talked about these things in the previous lectures, and we also talked about what is the difference between DEM and DDM, and then the applications of DEM and DTM in the earth sciences and engineering field. So in today's lecture we are further talking about the tools for map analysis. It means that if the maps are prepared using GIS technology, then how you are going to perform the different type of analysis. So there are some of the analysis, those are based on vector data processing, and there are some of the analysis, those are based on the raster data processing. तो इसमें different type के analysis, कुछ input functions थे, processing के functions थे, जैसे editing है और topology built up है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने geo processing tools जैसे कि buffering है, उसमें clip है, इसमें डिजॉल्व फंक्शन है, कुछ और इस तरह के फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, तो वो भी एक ओवरले एनालिसिस की टाइप ही है। और इसी तरह से रास्टर डाटा जो है उसके एनालिसिस के जो है वो हमने उसको उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसको डिस्कस किया, ठीक है। तो इस वीक में हम कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि आप मैप्स के ऊपर लगा के फर्दर उनके ऊपर जो एनालिसिस लगाते हैं उसके बाद आपके पास आउटपुट मैप्स हैं वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं मैप ओवरले एनालिसिस की, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी ऑलरेडी नो दैट कि जो ओवरले एनालिसिस होता है वो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ इनपुट मैप्स आपके पास होते हैं, वो सारे जो मैप्स होते हैं वो एक ही एरिया के होते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उन सारी जो लेयर्स होती हैं, जो इनपुट लेयर, उसके ऊपर आप कोई ऐसा फंक्शन लगाते हैं जिसकी बेस के ऊपर क्या होता है कि आप
आपका जो एनालिसिस है वो जो है वो परफॉर्म होता है, उसके बाद आपके पास जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपके पास आ जाए। जैसा कि सूटेबिलिटी एनालिसिस है, लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी एनालिसिस है, ठीक है। सो अ सीरीज ऑफ रजिस्टर्ड डेटा लेयर्स ओवरलेइंग ईच अदर, ये आपने याद रखना है कि अ सीरीज ऑफ रजिस्टर्ड डेटा लेयर्स ओवरलेइंग ईच अदर आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआईएस एनालिसिस फंक्शन। ओवरले क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टडी एरिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज की इंफॉर्मेशन है, वहां पे रोड्स की इंफॉर्मेशन है, लैंड यूज की इंफॉर्मेशन है, जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, कुछ और जितनी भी आपके पास रेनफॉल है या कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो सारी जो इनपुट लेयर्स है आप उसको ओवरले करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप उस पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआईएस एनालिसिस फंक्शन, ठीक है। क्योंकि जीआईएस इज नॉट ऑल अबाउट टू प्रिपेयर द मैप्स इन डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। जीआईएस इज मोर देन दैट, क्योंकि इससे हमने जो लेयर्स होती हैं वो आपकी इंटरैक्टिव होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं, आप बफरिंग कर सकते हैं, आप एक लेयर से दूसरी लेयर को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरले एनालिसिस जो है वो आप परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। सो एन ओवरले ऑपरेशन टेक्स टू और मोर डेटा लेयर्स एज इनपुट, ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन एन आउटपुट डेटा लेयर। डेफिनेटली जब आप एक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो इनपुट लेयर्स को यूज करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आपके पास एक आउटपुट डेटा लेयर आ जाती है, ठीक है, जो कि ओवरले जो आपका फंक्शन है उसकी बेस के ऊपर वो आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो एज अ आउटपुट आपके पास वो आती है, और वो भी डेफिनेटली एक लेयर ही होती है, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरले एनालिसिस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी वेक्टर डेटा ओवरले एनालिसिस, तो आपको पता है कि पॉइंट इन पॉलीगॉन, इसको भी हमने डिस्कस किया था, किसी पर्टिकुलर एरिया में लेट्स सपोज नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वॉल्केनोज कितने हैं, नंबर ऑफ अदर काइंड ऑफ जो भी आपके जो स्टेशंस हैं वो कितने हैं, तो ये एक आपका है पॉइंट ऑन पॉलीगॉन, लाइन इन पॉलीगॉन फंक्शन भी हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे लाहौर का आपका एरिया जो है ये पॉलीगॉन होगी, उसके अंदर जो रोड्स का नेटवर्क है तो वो लाइंस होंगी उस पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद पॉलीगॉन ऑन पॉलीगॉन, इसका मतलब ये है आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं कि जो पॉलीगॉन्स की बेस के ऊपर जो है ना दूसरे पॉलीगॉन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज जियोलॉजी है, तो आपने आपके पाकिस्तान की जियोलॉजी का मैप है, तो आपने लाहौर की जियोलॉजी लेनी है, तो आप उसको वो भी लाहौर की जियोलॉजी भी पॉलीगॉन्स में होगी, पाकिस्तान की जियोलॉजी भी पॉलीगॉन्स में होगी, तो आपने क्या करना है लाहौर की पॉलीगॉन को उसके ऊपर मास करके वहां से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ऑल राइट, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी रास्टर ओवरले एनालिसिस, तो रास्टर ओवरले एनालिसिस में आपको ये पता है कि जो रास्टर लेयर्स होती हैं वो ग्रिड्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रिड्स की फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल एलिवेशन डेटा है आपके पास, टेम्परेचर डेटा है आपके पास, कंटेमिनेशन का डेटा है। तो इसमें आप करते क्या है कि पूरा जो आपकी अर्थ है उसको आप ग्रिड्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, और हर ग्रिड की एक अपनी वैल्यू होती है। वो ग्रिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अर्थ के ऊपर आपका फीचर क्या है। लेट्स सपोज अगर वाटर है तो वो वाटर को शो करेगा ग्रिड, उसकी एक अपनी रिफ्लेक्टिविटी होगी। इसी तरह से आपके पास अगर रोड है तो रोड यह कुछ ग्रिड्स रोड्स को शो करेंगे, कुछ ग्रिड्स बिल्डिंग्स को शो करेंगे। तो इस तरह से आपके पास हर ग्रिड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है।
उसमें जो एनालिसिस होता है वो ग्रिड बाय ग्रिड होता है, ठीक है, ग्रिड की बेस के ऊपर के आपका जो ओवरले एनालिसिस है उसमें कि एक पर्टिकुलर लेयर में किसी ग्रिड के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या वैल्यू है, फिर उसके बाद उसी पर्टिकुलर जगह पे दूसरी लेयर में क्या वैल्यू, तीसरी में क्या वैल्यू उस ग्रिड की। तो इस तरीके से जो इनपुट लेयर्स होती है उस पे एनालिसिस परफॉर्म होता है बेस्ड ऑन दी ग्रिड आईडी। ठीक हो गया, ऑल राइट। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दी ओवरले एनालिसिस। यू कैन सी दैट कि आपके पास फॉर एग्जांपल वाटरशेड की लेयर है, स्लोप की लेयर है, सॉइल्स है, लैंड यूज है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लेयर, एनिमल लोडिंग है, कुछ भी एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन पोटेंशियल जो है वो आप इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है वो निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन दी इनपुट लेयर्स। ठीक है, तो क्योंकि जो ओवरले एनालिसिस है एक्चुअली ये आपका क्या होता है, ये एक किसी भी लैंड की सूटेबिलिटी किसी भी तरह की जो है वो आपकी इनपुट लेयर्स की बेस के ऊपर एक आउटपुट लेयर आती है, जैसे लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप जो है उसकी हमने एग्जांपल देखी थी। ठीक है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा लेयर्स बोथ स्पेशियल एंड एट्रीब्यूट डेटा इज कंबाइंड रिक्वायर्स दैट डेटा लेयर्स यूज अ कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉमन नहीं है देन यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने उसको सारे डाटा को को रजिस्टर करना होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक ही होने चाहिए। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स अगर आपकी लेयर्स के होंगे तो वो लेयर्स जो है वो आपस में जो है ना वो प्रॉपरली उसके ऊपर ओवरले एनालिसिस जो है वो रन नहीं होता। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इनपुट लेयर्स आपके पास क्या आता है, अ न्यू डाटा लेयर इज क्रिएटेड। ठीक हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एप्लीकेशन रिलेटेड टू सिंगल मैप एनालिसिस। ठीक है, सिंगल मैप एनालिसिस मीन के एक ही मैप के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनालिसिस आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये चीजें हमने ओवरऑल डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो फर्दर वी आर डिगिंग इन दिस कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन फुली अंडरस्टूड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ओवरले एनालिसिस इन वेक्टर फॉर्मेट एंड आल्सो इन रास्टर फॉर्मेट। तो ये एक तरीके से आपका जो नॉलेज है जो भी जीआईएस का भी हमने सारा पढ़ा है उसकी ये एक रिफ्रेशमेंट ही है जो कि इस लेक्चर के अंदर हम देख रहे हैं। वी नो दैट कि सिंगल मैप एनालिसिस में आपके पास आ जाता है मैप रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, कि एक मैप के अंदर आपकी डिफरेंट क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है तो आप उस क्लासेस को कम या ज्यादा कर दें, जैसे क्लास रिडक्शन मेथड है, टोपोलॉजिकल मॉडलिंग है। ठीक है, टोपोलॉजिकल मॉडलिंग का मतलब ये है कि आप टोपोलॉजी की बेस के ऊपर जो है ना वो आप कोई एनालिसिस रन करते हैं, जैसे कि आपके पास बफरिंग है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग का मतलब यह है कि कोई पर्टिकुलर शेप्स जो आपकी फीचर्स की हैं उसकी बेस के ऊपर आप मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी होती है कि आप लेयर्स को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के तहत रास्टर कैलकुलेटर में आप कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, एक लेयर को दूसरी पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसको ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की हुई हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से फर्दर इस चीज़ को एलेबोरेट करते हैं। सो द फर्स्ट मैथड इज मैप रिक्लासिफिकेशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल के रिक्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट। सो लेट्स सपोज वी हैव दिस मैप एंड दिस इज द जियोलॉजिकल मैप ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड यू सी दैट कि यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन ऑफ अ जियोलॉजिकल मैप, ये मैप है जिसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेशंस की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि लेजेंड्स के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओरिजिनल मैप विथ 32 क्लासेस, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे देर आर 32 क्लासेस, तो ये पहले आप समझ लें कि 32 क्लासेस में आपके पास क्या है, ये डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, उनके नाम हैं ये, तो ये सारे जैसे डिफरेंट रॉक्स की टाइप्स हैं, ठीक है, फॉर्मेशंस हैं।
तो ये सारी यहाँ पे गिवन है, कोई लाइमस्टोन होगा, कोई सैंडस्टोन होगा, कोई यहाँ पे शेल होगी, कोई यहाँ पे क्वार्टनरी डिपॉजिट्स होंगे, कोई यहाँ पे इग्नियस रॉक्स होंगे, ठीक है, ग्रेनाइट होगा, इसमें डायोराइट हो सकता है, इस तरह से ये ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो यहाँ पे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रीक्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, देर आर 32 क्लासेस, दोज आर गिवन ऑन दिस मैप रिलेटेड टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, उसमें कुछ सेडिमेंट्री होंगी, मेटामॉर्फिक होंगी और इग्नियस होंगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। तो अब आपने इसको क्या करना है, रीक्लासीफाई करना है। तो नेक्स्ट मैप स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एज, ठीक है। सेम मैप जो है वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट रॉक्स की, उसको अब हमने क्या क्लासिफाई कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल एज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक जियोलॉजिकल मैप था, 32 क्लासेस थी, और इसके साथ आपको पता है कि ये एक एट्रीब्यूट टेबल भी होता है। तो लेट्स सपोज इस एट्रीब्यूट टेबल में एक तरफ आपके पास फॉर्मेशन का नाम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ उसके बाद उसकी टाइप ऑफ रॉक लिखी हुई थी कि वो सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है या इग्नियस है, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ था कि इसकी एज क्या है, ठीक है। इस तरह से कोई भी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप एट्रीब्यूट टेबल में आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो वी ऑलरेडी नो दैट वी कैन चेंज द डिस्प्ले ऑफ अ मैप डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट और डिस्प्ले ऑन दैट पर्टिकुलर मैप, ठीक है। तो जीआईएस का एक ये भी फायदा है कि हम डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो आपने जो इंफॉर्मेशन वहां पर रिप्रेजेंट करनी है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग यहाँ पे, रीक्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, जो आपके पास 32 डिफरेंट टाइप की रॉक्स थी उसको आपने जियोलॉजिकल एज वाइज आपने उसको यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ रॉक्स क्वार्टनरी पीरियड से बिलोंग करती हैं, कुछ क्रिटेशियस हैं, जुरैसिक हैं, ट्राइएसिक हैं, पेंसिल्वेनियन हैं, उसके बाद अनक्लासिफाइड है। तो ये एक्चुअली डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के मुताबिक ये डिफरेंट एराज हैं, ठीक है, ये डिफरेंट एराज है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जियोलॉजिकल मैप के ऊपर वो सारी आप देख लेंगे वो रीक्लासिफाई हो गई है, ठीक है। यहाँ पे पहले कितनी क्लासेस थी, 32 क्लासेस थी। तो ये वाला जो मैप है इसमें क्या है, जनरलाइज्ड क्लासेस आपकी 7 तक बन गई है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बल्कि सॉरी ये 6 क्लासेस है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आपके पास 6 क्लासेस आ गई है बेस्ड ऑन दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्योंकि एक से ज्यादा रॉक्स जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी बिलोंग कर सकती है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द रीक्लासिफिकेशन, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। नाउ थर्ड वन क्या है कि आप कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि रॉक्स को उसके जो बेसिक टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू क्लासिफाई, इट मींस वी नीड टू डिफाइन दिस जियोलॉजिकल मैप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रॉक, इट मींस के मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, यही बेसिक 3 टाइप्स हैं। तो उसमें जैसे लाइमस्टोन होगा, सैंडस्टोन होगा, आपके पास शेल होगी तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएंगी, इस तरह से इग्नियस में ग्रेनाइट होगा, बेसाल्ट होगा, इस तरह से डायोराइट होगा या कुछ और इस तरह की जो रॉक है वो आपके पास इग्नियस में आ जाएंगी। मेटामॉर्फिक जो है वो आपके पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेस्ट है, स्लेट है, आपके पास मार्बल है या कुछ वट एवर जो भी मेटामॉर्फिक की टाइप होगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, मैप को दोबारा से रीक्लासीफाई कर दिया। तो अब आपके पास 3 बेसिक टाइप्स यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंटरी। सो सेम मैप इज नाउ बीइंग डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर अवर डिजायर, राइट।
Similarly, same map could be redefined based on the information we need. तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया कि यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन डायोराइट फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आपने देखा कि बाकी सारी जो फॉर्मेशंस हैं वो किसी एक कलर में आ जाएं, लेकिन जो आपके पास एक पर्टिकुलर रॉक है वो आपकी एक कलर में आ जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी जगह पे लाइमस्टोन क्वेरी बनानी है. ठीक है, तो लाइमस्टोन क्वेरी जो है उसको डेवलप करने के लिए यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू हैव अ डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप. अब उसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आप सारी जियोलॉजी को मैप करेंगे, सारी रॉक्स की जियोलॉजी आपके पास आ जाएगी. फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें से लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पे है और बाकी रॉक्स क्या कहाँ पे है. तो आपने क्या करना है फिर, डेफिनेटली आपने, क्योंकि यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दी लाइमस्टोन बिकॉज यू आर गोइंग टू डेवलप अ क्वेरी ओवर देयर, फिर आप क्या करेंगे कि लाइमस्टोन को आप जहाँ जहाँ पे एक्सपोज है उसको आप किसी और कलर से डिस्प्ले कर देंगे, और बाकी जो फिर इंफॉर्मेशन है क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप सारी फॉर्मेशन को चाहे एक ही कलर दे दें. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन रिक्लासीफाई यूर जियोलॉजिकल मैप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, रिक्लासिफिकेशन. सो यू अंडरस्टूड नाउ, रिक्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन जीआईएस. आप बहुत सारे मैप्स को रिक्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है जो आपने डिस्प्ले करनी है. तो रिक्लासिफिकेशन से रिलेटेड आई गेस कि आपने कुछ लैब एक्सरसाइजेस भी कर ली होंगी. तो इस तरह से आप मतलब जो आपके पास वेक्टर बेस्ड है उसको रिक्लासिफाई कैसे करना है, इसी तरह से आपके पास जो रास्टर बेस्ड डाटा है उसको रिक्लासिफाई करना है. तो इस तरीके से आपके पास जो है वो अभी लैब्स में भी इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो हो गई होगी. राइट, तो ये हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस की है यहाँ पे कि रिक्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है और किस व्हाई वी नीड टू रिक्लासिफाई अ मैप. ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैप पेयर एनालिसिस. कि एक जो मैप है, अगर आप एक से ज्यादा मैप्स हैं तो उसके ऊपर आप एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बाज दफा ये भी होता है कि एक मैप जो है उसको दूसरे मैप के ऊपर, जैसे क्लिप फंक्शन है, डिजॉल्व फंक्शन है, ठीक है, और इसके अलावा इंटरसेक्ट फंक्शन है, और इस तरह से जो कुछ और फंक्शंस थे जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है, तो इसी तरह से उसी की अब एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आपके पास है टू मैप ओवरले जो है वो कैसे करते हैं. उसमें एक जैसे एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं क्लिपिंग, इसको इम्पोजिंग भी कहते हैं. ठीक है, क्लिपिंग जैसे क्लिप फंक्शन है वो हमने डिस्कस किया था. इसके बाद एक है स्टैम्पिंग, स्टैम्पिंग जो है इसको इरेजिंग फंक्शन भी कहते हैं. एक है ज्वाइनिंग फंक्शन, ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि आपके पास कुछ मैप्स हैं और वो जो मैप्स हैं वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी शीट का कुछ हिस्सा है. ठीक है, आपके पास एक बड़ी मैप की शीट है फॉर एग्जाम्पल, और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. ये उसका पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है और पार्ट फोर है. ठीक है, आपने इनको डिफरेंट सेक्शंस में बनाया. तो फिर उसके बाद आपने इसको ज्वाइन करना है क्योंकि ये एक ही स्टडी एरिया से बिलोंग करता है. तो फिर आप इनको जीआईएस के अंदर लेके आएंगे और इनको जो है क्योंकि जियो रेफरेंसिंग की बेस के ऊपर ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे. ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने ज्वाइन फंक्शन अप्लाई करना है और उसके बाद क्या होगा कि ये जो बाउंड्री है ये वाली ये डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, और आपके पास एक शीट बन जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से आप पीस वाइज अगर डिफरेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया के मैप को आप डिजिटाइज करते हैं तो उसके बाद आप इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं. तो ये आपका क्या है, ज्वाइन फंक्शन है कि आपने डिफरेंट मैप्स को ज्वाइन कैसे करना है. ठीक है, तो अभी हम इम्पोजिंग और जो स्टैम्पिंग है इसकी एप्लीकेशन को जो है वो अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद आ गया मैप ओवरले एंड बाइनरी मैप्स हैं वो भी हम इससे आगे डिस्कस करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट के जो इम्पोज्ड फंक्शन है वो किस तरह काम करता है. फॉर एग्जांपल वी हैव मैप ए
अब इसमें देखिए दो तरह की इंफॉर्मेशन है, एक है कि एक इसके अंदर सर्कल है जिसको आप एट्रीब्यूट कह देते हैं वन, और एक उसके आउटर जो मैप जो एरिया है एक स्क्वायर के अंदर उसको आप कह देते हैं जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर वन जो आपका जो सर्कल है इसके ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह से आपके पास मैप बी है सेम एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में 1 2 3 4 आपके पास फोर पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप क्लिप फंक्शन यूज करते हैं ये भी इम्पोजिंग फंक्शन भी वही है कि आपने क्या किया कि इस सर्कल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन मैप बी से आती है ठीक है इसको उसके ऊपर आप इम्पोज करेंगे और उसकी बेस के ऊपर नया मैप आपके पास बन गया। ठीक है, ये सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा, बाकी सारा जो एरिया है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्टेंट मैप जो है वो आपका आ जाता है। ठीक है, ऑल राइट, सो यू कैन सी हियर के यहाँ पे एक्चुअली ये तो डिस्प्ले के अंदर आपके पास आ रहा है कि मैप जो है वो किस तरीके से आपके पास फाइनल जो है रिजल्टेंट मैप आपके पास आएगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट टेबल में क्या होता है, एट्रीब्यूट टेबल में ये होता है कि ये आपके पास मैप ए की इंफॉर्मेशन है इस तरफ, और इस तरफ आपके पास जो कॉलम है इसमें आपके पास मैप बी है। तो ये जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे 0 0 के साथ 0 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 0 के साथ, फिर उसके बाद 1 1 के साथ है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपके पास आती जाएगी। ठीक है, जो रिजल्टेंट आपके पास मैप है वो होगा ये वाला 0 1 2 3 4। तो ये आपके पास रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ये जीरो है, उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 आपके पास इस तरह से ये जो क्लिप या इम्पोजिंग फंक्शन है इससे आपके पास वो इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, और एट्रीब्यूट टेबल में ये वाली चेंजेस यहाँ पे होती हैं। अच्छा, इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है? अब इसके एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज एक मैप है। अब ये जियोलॉजिकल मैप है ठीक है, या जियोलॉजी मैप है, इसमें डिफरेंट फॉर्मेशंस के बने, और ये मैप ए है, और मैप बी जो है आपके पास इसमें ये क्या है, ये वाटर बॉडीज है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है आपके पास क्या है, ये वाटर बॉडीज है। वाटर जो ड्रेनेज है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के गिवन है। नाउ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द जियोलॉजी ऑफ द ड्रेनेज एरिया। ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि या आपका जो ड्रेनेज एरिया है वो वहां पे कहाँ कहाँ पे है और वहां पे कौन कौन सी फॉर्मेशन है। तो आप इस लेयर को इसके ऊपर क्लिप करेंगे, जब आप इस लेयर को इसके ऊपर क्लिप करेंगे इम्पोज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन आपके ड्रेनेज पैटर्न के नीचे आती है जियोलॉजी मैप की वो सारी वहां पे क्लिप हो जाती है। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, क्लिप फंक्शन, या इसको कहते हैं इम्पोजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसके जरिए से आपने क्या किया कि आपने जो भी ड्रेनेज एरिया है उसके नीचे जो भी जियोलॉजी है वो आपने वहां से उसको क्लिप कर लिया। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैम्प फंक्शन या स्टैम्पिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको आप कैसे कहेंगे, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव मैप ए 0 1 2, और मैप बी जो है इसमें ये आपके पास है 1 2 3 4। ठीक है, जब आप इसको जैसे एक लेटर होता है इनवेलप होता है उसके ऊपर आप स्टैम्प लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पीछे वाली जो इंफॉर्मेशन है वो हिडन हो जाती है और ऊपर एक नई इंफॉर्मेशन आप स्टैम्प कर देते हैं। ठीक है, उससे वो फिर एज अ जैसे टिकट होती है तो वो आपकी डिस्प्ले में आ जाती है, और मैप जो लेटर होता है उसका वो वाला पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो छुप जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेम फंक्शन, स्टैम्पिंग फंक्शन। तो अब ये जो है, आप इसमें ये देख लें कि यू आर जस्ट इंटरेस्टेड कि ये जो वर्किंग एरिया आपका ये 1 2 3 4 है, ये 0 1 2 है। आपने क्या किया कि ये जो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इसको आपने स्टैम्प करना है।
तो इसको जब आप इसके ऊपर स्टैम्प करेंगे तो आप ये देखें कि ये जो है यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 तो ऑलरेडी था, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये 1, 2 ये यहाँ पे बन जाएंगे 5 एंड 6, तो टोटल इसमें 6 एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो है वो नई आईडी के साथ यहाँ पे स्टैम्प हो जाएगा। तो ये आपके पास एक मैप जो है वो जो है वो आउटपुट मैप जो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपने क्या किया कि आपके पास एक वही जियोलॉजी मैप था। अब आपने क्या किया कि जहां जहां पे वाटर बॉडी थी वहां पे आपने उसको पेस्ट कर दिया, तो नीचे जो इंफॉर्मेशन थी वो वहां से डिसअपियर हो गई। ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि जो वाटर बॉडी के नीचे जियोलॉजी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई थी, लेकिन ये जो फंक्शन है आपका स्टैम्पिंग या इरेजिंग फंक्शन है इसमें क्या हुआ, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या हुआ कि आपके पास जो वाटर बॉडी के नीचे एरिया था दैट इज डिसअपीयर्ड राइट बाय द वाटर बॉडीज। अब ये देखेंगे ये ब्लैंक है वाइट कलर में जो शो हो रहा है, और जो बाकी जियोलॉजी है वो आपकी उसी तरह से इंटैक्ट है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज स्टैम्पिंग और इरेजिंग फंक्शन। ठीक है, और ये मैप पेयर एनालिसिस है कि एक मैप दूसरे के ऊपर, एक मैप को जो है वो आप एक मतलब एज अ क्लिप फंक्शन, आप उसको एज अ स्टैम्पिंग फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली नाउ वी विल टॉक अबाउट टूल्स फॉर मैप एनालिसिस इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द मल्टीपल मैप्स। ठीक है, मल्टीपल मैप्स का मतलब क्या है कि दो से ज्यादा आपके पास मैप्स हैं, उन सब के ऊपर कोई भी आप पर्टिकुलर एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं राइट। तो इसके एग्जांपल जैसे लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, लेकिन लेट्स टॉक लिटल मोर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ दिस फंक्शन। तो आपके पास डिफरेंट मॉडलिंग एप्लीकेशंस इसकी हैं जो कि हमने डिस्कस भी की हैं, जैसे कि लोकल ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, परफॉर्म रास्टर बेस्ड डेटा एनालिसिस ऑन दी पॉइंट बाय पॉइंट और सेल बाय सेल बेसिस जो एनालिसिस होता है। इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं उनको कहते हैं बूलियन ऑपरेटर, जैसे एंड और, एक आपने एक्सऑर भी पढ़ा था ठीक है एक्सऑर, तो उसके बाद नॉट फंक्शन ये भी यहाँ पे है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। फिर उसके बाद है बाइनरी वेटिंग। बाइनरी वेटिंग क्या होती है, ठीक है कि आप पूरी लेयर को जो है या तो 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर वो नहीं सूटेबल है, अगर या फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बाइनरी वेटिंग जो है वो करते हैं। इसके बाद एक है इंडेक्स ओवरले एनालिसिस, तो इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसकी अब एप्लीकेशन हम यहाँ पे कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं राइट। ऑल राइट, सो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल के लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू डिजाइन अ लैंडफिल साइट। ठीक है, लैंडफिल साइट आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में सेलेक्ट करनी है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सूटेबिलिटी एनालिसिस। तो लैंडफिल जो साइट है उसकी सिलेक्शन के लिए अब आप क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेस के ऊपर आप बेस्ट सूटेबल लैंडफिल साइट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जियोलॉजी, यू नीड टू नो द जियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कि वहां की जियोलॉजी कैसी है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ओवरबर्डन क्या है, कि उस पर्टिकुलर एरिया में ओवरबर्डन थिकनेस कितनी है, इसका मतलब क्या है कि नीचे रॉक कितनी नीचे है। ठीक है, कि सब सरफेस के अंदर ऊपर सरफेस पे जियोलॉजी क्या है, और उसके बाद अगर आपके पास लेट्स सपोज वहां पे सॉइल लेयर है तो आपके पास जो बाकी जो जियोलॉजी है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, मतलब ऊपर सॉइल लेयर है तो सॉइल की थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो ये आपने जो है ना ओवरबर्डन थिकनेस के अंदर मैप के अंदर आपने अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप इसको यूज करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद है आपके पास स्लोप मैप, के डेफिनेटली जो ज्यादा स्लोपी एरियाज होंगे वहां पे आप प्रेफर नहीं करेंगे आपके लैंडफिल वहां पे,
आप जो है वो उसको सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद परमेबिलिटी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी जगह पे लैंडफिल आपने साइट सिलेक्ट की और उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से फिर क्या होगा कि वो जो लीचेट है वो नीचे सीप करके जाएगा और आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट करेगा। सो इट मीन्स कि हमें ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे जिसकी परमेबिलिटी बहुत कम हो, ठीक है, वो प्रेफरेबल है कि जहाँ पे क्ले डिपॉजिट ज्यादा है वहां पे आप प्रेफर करेंगे आपकी लैंडफिल जो है वो साइट वहां पे बने, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपका जो सिटी एरिया है, लेट्स सपोज सिटी, मेन सिटी जो एरिया है उससे वो कितना दूर है लैंडफिल, तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा सा साइड पे वो एरिया सेलेक्ट हो जहाँ पे आपका जो सिटी है उसको, मतलब सिटी के अंदर आप उसको नहीं बनाना चाहेंगे, राइट। और कल को सिटी एक्सपैंड भी होता है तो वो कितने सालों में कितना एक्सपैंड होगा, ठीक है, वो ये नहीं है कि बिल्कुल बाउंड्री के बाहर आप लैंडफिल जो है उसको जो है वो वहाँ पे आप उसको डिजाइन करेंगे। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आप वो सिटी लिमिट से थोड़ा दूर होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। सिमिलरली लैंड यूज, लैंड यूज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड यूज का मतलब ये है कि किसी जगह पे आपके पास जैसे ये सिटी एरिया है तो बिल्डिंग्स होंगी, उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड होंगे, फिर उसके बाद जो है वो लेक होगी, ड्रेनेज के लिए आपके पास देखेंगे कि वहाँ पे रिवर हो सकता है। तो इस तरीके से आपने वहाँ पे देखना है कि कौन कौन से फीचर कहाँ कहाँ पे है। तो आप प्रेफर करेंगे करेंगे कि जहाँ पे बैरन लैंड हो वो आपकी ज्यादा सूटेबल लैंड है साइट, ये इसकी क्या कहते हैं उसे, लैंडफिल की साइट के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो भी डिजायरेबल नहीं है क्योंकि उससे क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि आपने एग्रीकल्चरल लैंड को आपने कन्वर्ट कर दिया लैंडफिल में। तो एनी हाउ पाकिस्तान में तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें नहीं होती, हमने यहाँ पे लाहौर में भी लैंडफिल साइट्स जो हैं वो सिलेक्ट की हुई हैं लेकिन उसके चारों तरफ आबादियाँ हैं तो जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हमारी जो लैंडफिल साइट सिलेक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली क्योंकि इस तरह की स्टडीज़ आप परफॉर्म नहीं करते, तो ये मतलब यहाँ पे एक डाउन साइड, मतलब साइड है यहाँ पे कि हम इस तरह की सूटेबिलिटी एनालिसिस किसी भी तरह की जो भी एनालिसिस होते हैं उसमें हम ये इस तरह से सिस्टमेटिकली परफॉर्म नहीं करते, इसलिए फिर हमें बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। एनी हो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट के हमारी जो लैंडफिल साइट सिलेक्शन है वो किस किस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर होनी चाहिए। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज लेयर्स कि अगर आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है तो उससे पहले आप ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें उसमें चाहिए, इनपुट लेयर्स कौन सी चाहिए, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अगर आपने लाहौर के लिए अप्लाई करना है या किसी और सिटी के लिए तो आपको ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो ठीक है। उसके बाद ओवरबर्डन जो है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, आपको जियो टेक्निकल फॉर्म से मिल सकती है, जैसे नेस पार्क है कि वो नेस पार्क जो है बोरिंग वगैरह करते रहते हैं डिफरेंट एरियाज में कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो आपके पास नेस पार्क से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एनी हाउ लिंक्स के बगैर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पास नहीं होती। फिर उसके बाद स्लोप, स्लोप कहाँ से मिलेगी, ये आपके पास DEM से मिलेगी। DEM कहाँ से आएगा, ये आपका सैटेलाइट बेस्ड जो इमेजरी है वहां से मिलेगी, जैसे आस्टर है आपके पास, सर्टम है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल में, तो के जो रिमोट सेंसिंग है उसमें डिफरेंट डाटा सोर्सेज कौन कौन से हैं और आपके पास किस तरह से आप उसको ले सकते हैं। यानी हो स्लोप मैप आपका DEM से आ जाएगा। फिर उसके बाद परमेबिलिटी मैप, परमेबिलिटी में आप कहाँ से आएगा, डेफिनेटली जब आप, ये भी नेस पार्क से आना चाहिए कि या किसी तरह इसी तरह से और जो इंजीनियरिंग फॉर्म्स है वहां से आना चाहिए क्योंकि ये परमेबिलिटी एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एरियाज में, सॉइल की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से ये उनके पास से आ जाना चाहिए। डिस्टेंस, ये आपके पास अगर लैंड यूज मैप है, आपके पास म्यूनिसिपल जो जो मैप है आपका लाहौर का, लेट्स सपोज डिस्ट्रिक्ट मैप है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिटी एरियाज कहाँ पे हैं,
विलेजेस कहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मेन सिटी एरियाज कहाँ पे है, आबादी कहाँ पे है, उससे अपने दूर जो है वो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, बफरिंग करेंगे। बफरिंग के जरिए आपने जोन डिफाइन कर लेना है कि ये वाला एरिया सेफेस्ट जोन है, जहाँ पे आपकी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो मतलब इस जो लैंडफिल है इसकी साइड से थोड़ी दूर रहेगी और उसको वो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली रोड्स, अब रोड्स जो है दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि रोड्स का मतलब ये कि आपको वहाँ पे एक्सेस रोड होनी चाहिए ताकि आप जब वहाँ पे लैंडफिल के लिए वेस्ट डिस्पोजल को वहाँ आपने फेंकने जाना है, डंप करने जाना है, तो वो रोड्स का एक नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके जो रोड्स हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सिमिलरली इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब ये है कि आपका जो ओवरऑल वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसमें क्या कोई लैंडफिल साइट सिलेक्शन से कोई नेगेटिव चेंज तो नहीं आएगी, क्या उससे कोई भी आपके एनिमल्स या कुछ और इनहैबिटेट्स जो हैं वो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से आप फिर इकोलॉजी को भी देखेंगे। उसके बाद आप जो है वो सूटेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे आप पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे बैरन लैंड है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद एक है फ्लड जोन। फ्लड जोन का मतलब ये है कि अब आपने रिवर के बिल्कुल करीब जो है वो अपनी लैंडफिल साइट जो है उसको सिलेक्ट नहीं करना। रीजन क्या है, अगर फ्लडिंग हो जाती है तो वो पूरी की पूरी लैंडफिल साइट जो है वो बह जाएगी और वो डिफरेंट अदर एरियाज के अंदर वो सारा जो आपका जो वेस्ट है वो फैल जाएगा, जिससे बीमारियां फैलेंगी और वहां पे वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती, ठीक है। तो इसलिए आपने देखना है कि फ्लड जहां जहां पे मतलब 100 ईयर का लेट्स सपोज फ्लड है, तो वो अगर 100 ईयर के बाद जो फ्लड आता है वो मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी का हो सकता है और वो कितने एरिया को इनंडेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फ्लड जोनिंग जो है वो फ्लड जोनिंग का मैप आपके पास होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फिर आप जो है वो क्या करेंगे, लैंडफिल साइट सिलेक्शन जो है वो उसका एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वक्त ये एग्जांपल डिस्कस की है कि आपने कोई भी जब एनालिसिस परफॉर्म करना है तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इतना पता होना जी कि डाटा ये हमें चाहिए और ये यूज होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप वो ये है कि ये डाटा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो जब ये डाटा आपने एक्वायर करना है तो दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप कि वो डाटा के लिए फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंट एजेंसीज में जाएंगे, डिफरेंट ऑफिसेज में जाएंगे, वो डाटा जो है उसको इंक्वायर करेंगे, ठीक है। तो अगर वो डाटा मिल जाता है तो फिर आप उसकी बेस पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। हो सकता है कि ये जो लेयर्स हैं इन सारी का डाटा आपको नहीं मिले, सारी लेयर्स का डाटा ना मिले, फिर आपने ये डिसाइड करना है कि हाँ इनमें से क्रिटिकल कौन सी लेयर्स हैं जिसका डाटा बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे कि जियोलॉजी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, परमेबिलिटी आप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लैंड यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्लड्स का जो है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इस तरह से इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है कुछ इसमें क्रिटिकल है, कुछ इसमें जो है वो अगर हो तो दैट इज गुड, अगर ना भी हो तो उससे गुजारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो इनपुट लेयर्स हैं उसका डाटा जो है वो ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए आपने देखना है कि वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, इसका जो पार्ट बी है वो आप उसमें हम फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मल्टीपल लेयर्स की बेस के ऊपर जो एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट्स आपके पास किस तरीके से आएंगे, ठीक है। थैंक यू।